चलिए सर, रेडी रेडी स्टार्ट। कभी किसान को सूखे की मार पड़ती है तो अब कुदरत ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। यह नुकसान उस समय हुआ जब माना जा रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। पिछले कुछ समय से कृषि विकास दर ठीक ठाक ढंग से बढ़ रही थी। इस साल इस पर मौसम की मार पड़ सकती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि औद्योगिक विकास दर के मोर्चे पर आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर कुछ साल बाद कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है और ऐसे मौके पर किसानों को राहत देने का कोई स्थायी तरीका अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है। राहत का एक तरीका फसल बीमा है, लेकिन इस पर सिर्फ चर्चा होती है। फसल बीमा को कभी बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सका। फसल बीमा के अभाव में किसानों को आपदा का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई किसान एक ही झटके में गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र की यह अकेली बड़ी समस्या नहीं है। भारत में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई कृषि आबादी बता रही है कि देश की कई समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर ध्यान केंद्रित करने वाले पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने एक रिपोर्ट में यह बताया है कि वर्ष 1980 से वर्ष 2011 के बीच भारत और चीन की कृषि पर निर्भर आबादी में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक भारत की कृषि आबादी में 50% की भारी वृद्धि हुई है, वहीं चीन की कृषि आबादी में 33% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कृषि आबादी सबसे ज़्यादा भारत में ही बढ़ी है। अमेरिका की कृषि आबादी इस अवधि के दौरान 37% घट गई। अमेरिका में बड़े पैमाने पर औद्योगिक होने से कृषि आबादी में खासी कमी संभव हो पाई है। विश्वव्यापी स्तर पर भी कृषि आबादी इस दौरान तकरीबन 12% घट गई है। कृषि पर निर्भर आबादी बढ़ने से इस क्षेत्र में आय बढ़ने की बजाय घट रही है, जिससे किसानों की रुचि कृषि कार्यों में घट रही है।
गांवों में रोजगार के विकल्प, घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का कहना है कि 40% किसान खेती को बेहद जोखिम भरा और दुखदायी पेशा मानते हुए इसको छोड़ना चाहते हैं। ब्राउन।